हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज का एक्सेल का टॉपिक डाटा वैलिडेशन के ऊपर है और ये है डाटा वैलिडेशन का सीरीज नंबर 11। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो मैंने डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड 1 से लेके 10 तक वीडियोज अपलोड कर दिया है। और यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है और उस वीडियोज को देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेटा वैलिडेशन का प्रीवियस वीडियोज का लिंक डाल दूंगा और आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने हेडिंग के रूप में यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू क्रिएट डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेटा वैलिडेशन। यानी कि डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी के नेम है और यहाँ पे उन्हीं कंपनियों के नेम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और उनके प्रोडक्ट की लिस्ट है। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा डेटा क्रिएट करना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते हो तो उस कंपनी से रिलेटेड जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे और आप उसे चॉइस में सेलेक्ट कर सकें। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस कंपनी वाले जो नेम को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन नेम्स का एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम्स, बॉटम रो, राइट कॉलम्स वगैरह वगैरह ऑप्शन है जिसमें आपको ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है इसी पे राइट टिक मार्क लगाना है, बाकी किसी पे नहीं लगाना है। ओके का बटन दबाने के बाद ये जो ऑप्शन है कंपनी के जो नेम है वो डिफाइन नेम में ऐड हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा, आप जब नेम मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो कंपनी है वो यहाँ पे देखिए नाम दिखाई देगा और बाकी जो कंपनी में अंदर जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको वैल्यूज में दिखाई देगी। इसका मतलब कंपनी का जो नाम है हमने डिफाइन नेम में ऐड कर दिया है। क्लियर, अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब बात आती है इन कंपनियों के और इसके प्रोडक्ट को ऐड करने की, इसके लिए भी आपको ये डेटा भी सिलेक्शन करना होगा इसी तरीके से और आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे राइट टिक मार्क आ रहा है जिसमें से आपको लेफ्ट कॉलम से राइट टिक मार्क हटाना है। आपको ओनली टॉप रो वाला सिलेक्शन करना है और उसके बाद आपको ओके का बटन दबाना है। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसे भी आप नेम मैनेजर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्पल, बीपीएल, एससीएल, नोकिया इस तरीके से आ रहा है और कंपनी भी आ रही है जो ये वाली लिस्ट है। तो जब सारा डेटा आपका ऐड हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको सेलेक्ट कंपनी पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट कंपनी वाले सेल पे और उसके बाद डाटा वाले मेन्यू में जाके आपको डाटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है इसे चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद एनी वैल्यू जो अलाउ कम है, जो वैलिडेशन क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं तो इसमें आपको एनी वैल्यू पे जाकर आपको लिस्ट चॉइस करना है। और जब आप लिस्ट चॉइस करेंगे तो यहाँ पे एक सोर्स का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस सोर्स में आपको इस कंपनी के लिए यहाँ पे इक्वल कंपनी भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप F3 का बटन दबा करके जो कंपनी का ऑप्शन आ रहा है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वल कंपनी आ गया ना, ये भी आप लिख सकते थे। अब आप जब ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए ये देखिए डेटा वैलिडेशन की लिस्ट वाला ऑप्शन आ गया है और आप किसी भी नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कंपनी के नेम को। अब देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट हो रहा है लेकिन अभी उसके प्रोडक्ट तो आ नहीं रहे, तो इस प्रोडक्ट को भी लाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट पे जाना है, इस वाले सेल पे क्लिक करना है और डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा वही लिस्ट का ऑप्शन है उसे चॉइस करना है, सॉरी लिस्ट के ऑप्शन को चॉइस करना है और यहाँ पे सोर्स में अब अगर मैं एक किसी प्रोडक्ट का कंपनी का नाम लिखता हूँ जैसे SCL तो सिर्फ SCL के ही दिखाएगा, बाकी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा और हमें सारे प्रोडक्ट चाहिए जो F3 में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एप्पल, BPL, SCL, नोकिया ये सभी को चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल इन डायरेक्ट, इन डायरेक्ट लिखना है हमें और इन डायरेक्ट लिखने के बाद आपको इस वाले कंपनी पे क्लिक करना है यानी कि जो कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट करें उससे रिलेटेड यहाँ प्रोडक्ट आ जाए।
तो इस कंपनी वाले सेल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल ऐसा आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल इन डायरेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद जब इस कंपनी पे सेलेक्ट करेंगे तो उसका सेल यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और ब्रैकेट बंद करेंगे। ओहो अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है भाई, ओहो दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्लिक और डाटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ पे इक्वल इन डायरेक्ट और ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद इस सेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन इसे मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अगर आप जैसे मुझे दिक्कत आ रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हाँ अब आ गया है सही, और ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, बाई चांस ये हट जाता तो हम ब्रैकेट लगा लेते, अब ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। अब देखिए SCL है तो SCL में कंप्यूटर लैपटॉप CPU मॉनिटर आ रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप CPU मॉनिटर आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं BPL तो BPL में LED TV, LCD TV, CRT और साउंड सिस्टम आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं BPL में तो देखिए LED, LCD, CRT और साउंड सिस्टम आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो लिस्ट है ड्रॉप डाउन वो तैयार हो चुका है, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं इसे दोबारा दिखा देता हूँ, ए बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है लेकिन यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, लिस्ट में जाके सोर्स, यहाँ पे इक्वल इन डायरेक्ट टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाद इस सेल पे क्लिक करना है। कभी कभी ये सेल हट जाता है तो इसे कॉपी कर लीजिएगा जैसे मैं अभी कॉपी कर रहा था, और ब्रैकेट बंद करना है और ओके करना है, तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी जिससे रिलेटेड आप यहाँ पे चॉइस करोगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो उसके प्रोडक्ट को। तो ये था कैसे क्रिएट करें ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा वैलिडेशन में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।